अगर आप विदेश से पटना एयरपोर्ट पे आ गए हैं, आप घर से गाड़ी नहीं मंगवाना चाहते हैं, तो आप विदेश से पटना एयरपोर्ट पे आइए और वहाँ पे कॉल कीजिए, ये नंबर स्क्रीन पे आप पहले लिख लीजिए। और विदेश से आ रहे हैं पटना सिवान आई, मात्र 2500 रुपये में। मात्र 2500 में? जी हाँ। इतना सस्ता कैसे? पेट्रोल डालना है? पेमेंट पहले देना होगा बाद में? नहीं, पेमेंट बाद में, आपको पहुँचने के बाद देना है। घर पहुँचने के बाद जी जी बुकिंग करें। पटना से मुजफ्फरपुर मात्र 1699 में, पटना से दरभंगा 2599 रुपये में, पटना से सीतामढ़ी मात्र 2499 में, पटना से मोतिहारी 3099 रुपये में, और पटना से सिवान मात्र 2499 रुपये में आप जा सकते हैं। आइए हम बताते हैं। विश्वास होगा वैसा व्यवस्था हम अपने पास से करेंगे, उनको जो चाहिए विश्वास के लिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद सर स्वागत है आपके सीओ न्यूज़ में, मैं हूँ आपके साथ यूनुस। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा वेलकम कैब लिखा हुआ है और इसमें 5 जिला का नाम लिखा हुआ है, 5 शहर का नाम लिखा हुआ है। पटना से मुजफ्फरपुर मात्र 1699 में, पटना से दरभंगा 2599 रुपये में, पटना से सीतामढ़ी मात्र 2499 में, पटना से मोतिहारी 3099 रुपये में, और पटना से सिवान मात्र 2499 रुपये में आप जा सकते हैं। आइए हम बताते हैं इसके बारे में। ये है वेलकम कैब। वेलकम कैब आप जब सर्च कीजिएगा, वेलकम कैब www.welcomecab आप क्रोम पे गूगल पर सर्च कीजिएगा तो ये आपको दिखाई देगा। ये दिखाइए जो पैराग्राफ है ना, पूरा इंडिया, पूरा बिहार के साथ साथ पूरे इंडिया में इनका जो कैब है ये आपको सेवा दे रहा है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पटना टू मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी, बेतिया, ढाका, रक्सौल, पूर्णिया, बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आप स्क्रीन पर ये पढ़ सकते हैं। ये फ़ायदा आपको ये दे रहा है ना, पहले हम संक्षेप में आपको हम बता देते हैं। अगर आप विदेश से आ रहे हैं, अगर आप विदेश से पटना एयरपोर्ट पर आ गए हैं, आप घर से गाड़ी नहीं मंगवाना चाहते हैं, तो आप विदेश से पटना एयरपोर्ट पर आइए और वहाँ पर कॉल कीजिए, ये नंबर स्क्रीन पर आप पहले लिख लीजिए। और विदेश से आ रहे हैं तो पहले आप कॉल कीजिए, ये आपको 10 मिनट के अंदर में पटना एयरपोर्ट पर जाएगी और पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक एक फैमिली टर्न बनाएगी, फैमिली वार्ता करेगी आपसे और फैमिली की तरह आपके लिए अगर घर पे ये कैब छोड़ेगी, वेलकम कैब। हम बता दें लगभग एक साल से लेकर डेढ़ साल तक लगभग ये रन कर चुका है। उसके बाद इन्होंने चाहा कि अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और ये आप तक पहुँचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो कि ये वेलकम कैब है, ये आपको सेवा दे रहे हैं। चाहे सिवान से अगर आप पटना आइएगा तो 4045 रुपये लगेगा। अगर आप इनके यहाँ कॉल करते हैं तो मात्र 2500 रुपये में आप इनके यहाँ से हायर करके फुल एसी के साथ, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने घर पे जा सकते हैं। तो एकदम कम पैसा में आप लोगों को घर तक, द्वार तक छोड़ रहे हैं, क्या ये सही है? जी आप बिल्कुल सही है, ठीक है। कितने में छोड़ रहे हैं सिवान पटना से? 2500 रुपये मात्र। मात्र 2500 में? जी सर 2500 रुपये में। सिवान से पटना जाए, पटना सिवान आई, मात्र 2500 रुपये में। मात्र 2500 में? जी हाँ। इतना सस्ता कैसे? फुली एसी आपको मिलेगी। कितना दिन से काम कर रहे हैं आप? ये 1.5 साल से चल रही है, लेकिन सोच रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से कुछ प्रचार किया जाए, लोगों तक पहुंचा जाए। जी हाँ। लोगों के करीब जाया जाए। जी हाँ। अगर कोई चाहता है अपने, कोई विदेश से आया पटना एयरपोर्ट पर, अगर मोस्टली लोग विदेशी रहते हैं अपने बिहार के लोग, जी हाँ, कोई एयरपोर्ट पर पटना आता है, सिवान, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, चंपारण, बेतिया, छपरा जाना चाहता है, आधा पैसा में आप उनको भेज दीजिएगा? जी हाँ भेज देंगे। और एक दिन पहले यदि बुकिंग करा लेते मेरे लिए सुविधा है, या 3 घंटा पहले कॉल करके बुक करा ले, ठीक है? मात्र 3 घंटे पहले? जी हाँ, उनके आने से हाफ आवर पहले वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहेगी। यानी अगर कोई विदेश से आता है तो एयरपोर्ट पर जाकर आप रिसीव कीजिएगा? जी हाँ, वहाँ पहले से गाड़ी लगी हुई रहेगी। और आपने साइन बताइएगा, आप उनको रिसीव कर लीजिएगा। जी हाँ। जैसे फिल्मी दुनिया में आप लोग देखे होंगे एयरपोर्ट पे ऐसा लेकर और लोग रिसीव करते हैं, वैसे आप इनको इन्फॉर्म कीजिए 3 घंटा पहले और ये आपके घर तक छोड़ने का पूरे जिम्मेदारी लेते हैं मात्र 2500 में, और जहाँ से भी आप जाना चाहते हैं उसके आधा पैसा में ये आपको छोड़ेंगे। आप लोग विश्वास कैसे करेंगे सर? और अब से आएंगे, विदेश से आएंगे, सामान ज़्यादा रहेगा, यंग पर्सन रहेगा, आप गाड़ी में बैठेंगे, कैसे बिलीव करेंगे कि आप घर तक सुरक्षित उनको छोड़िएगा? पहले से बहुत सारे सेवाएं दे रखे हैं, भाई जब तो मेरे पास चार्ट वगैरह भी है, ठीक है, सारा डिटेल्स भी है इस तरह का, मतलब कि सुरक्षित रूप से पहुँचाएँ इससे पहले भी, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये दिखाइए, ये मेरा चार्ट है सर, चार्ट है जो मतलब कि कस्टमर को मैंने भेजा है ना, उसका चार्ट बना हुआ है डेट के साथ सारा डिटेल्स। अच्छा, ये पूरा चार्ट, ये देखिए जितना कॉपी में है ना, ये पूरा चार्ट और पूरा फॉर्म भरे, आप तो फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भर के आपके घर तक ये छोड़ रहे हैं। 2500 में सर क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को सिवान भेजने में एयरपोर्ट? कस्टमर को देखते हुए ध्यान में, ठीक, बस सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं? जी हाँ, सुरक्षित पहुँचे, सुरक्षित पहुँचा रहे हैं आप लोगों को। जी हाँ। कौन सी गाड़ी में पहुँचाइएगा? 5 सीटर सेडान, 5 सीटर की, जैसे कि स्विफ्ट डिजायर हो गया, ओडा हो गया, फ्रॉन्क्स हो गई, यही सब।
अच्छा, ऐसा नहीं ना हो कि आप दो आदमी को बुक कर लिए, दोनों ने बैठा छोड़ दिए एक एक रूम में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वन बाई वन वन वे कैब सर्विस है। एक आदमी कोई बुक करा रहा है बस उसी के लिए जाएगी गाड़ी, ये नहीं कि हम दोनों को बुक कर लिए उसमें दोनों को बैठाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले दिल्ली मुंबई स्मार्ट सिटीज़ में ऐसा होता था, अब आप किस तरह से लोगों को सेवा दे रहे हैं? हम तो सेवा मतलब यहाँ से चालू किए हैं पटना से, लेकिन हम अभी ऑफिस यहाँ 3-4 गो और लगाएंगे पूरे बिहार में। हाँ जी, हम और कस्टमर का पूछ रहे थे कैसे मतलब विश्वास होगा, तो कस्टमर को जैसे विश्वास होगा वैसा व्यवस्था हम अपने पास से करेंगे, उनको जो चाहिए विश्वास के लिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद आपका जो न्यूज़ चैनल ये सब देख कर आएगा, अगर महीना में अगर दो बुकिंग कराता है वो एक ही अथी से, तो उनको 100 रुपये और छूट दे देंगे, और क्या करेंगे इस। अच्छा, अगर कोई भी आता है मेरे चैनल के वीडियो देख के और महीना में दो करा ले तो उनके लिए डिस्काउंट आप रख दीजिए? 100 रुपये और छोड़ देंगे अपने पास से, और क्या करेंगे। सर, सिवान से पटना एयरपोर्ट या पटना माने में क्या रुपये लगेगा? 2500 रुपये लगेगा सर। आपके गाड़ी का 2500 लगेगा? जी जी, फुल एसी के साथ? फुल एसी। मुजफ्फरपुर से अगर पटना आना? मुजफ्फरपुर से 1800 लगेगा, मात्र 1800। जी, एसी चालू रहेगा? जी, एसी चालू रहेगा, प्लस टॉल और पार्किंग मतलब। गोपालगंज से आना हो तो? गोपालगंज से 2900 रुपये लगता है। 2900? जी। और पटना से आप छोड़ दिए गोपालगंज? जी जी, छोड़ देंगे। अच्छा, सिर्फ बिहार में ही काम करते हैं, पूरा इंडिया में? नहीं, बिहार में नहीं, पूरा ऑल इंडिया में, अगर जहाँ का भी आएगा वहाँ व्यवस्था हम लोग करेंगे। पूरा इंडिया का व्यवस्था? जी जी, लखनऊ मुजफ्फरपुर मोतिहारी पूरा? थोड़ा पहले देंगे, एक दिन पहले करेंगे तो थोड़ा हम लोग को सहूलियत रहेगा। तो कैसे बुक कैसे होगा बताइए? जी, बुक ऑनलाइन कीजिए या हमको कॉल कीजिए, बुक करवा लेना चाहते हैं तो? विदेश से आए हैं तो एयरपोर्ट से हम लोग जाकर अपना पिकअप कर लेंगे, पिकअप करके वहाँ जहाँ छोड़ना उनके घर पर बेहतर छोड़ देंगे। खुद लोग अपना कस्टमर रिव्यू डालेगा, हमको ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा, कस्टमर ही बताएगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है, वो खुद मतलब हम बोलेंगे तो कोई बोलेगा हम अच्छे हैं। ज़्यादा तो बिहार में एयरपोर्ट वाला फ़ोन आता होगा? जी जी, एयरपोर्ट के ज़्यादा आता है, और जैसे बाहर का आता है एयरपोर्ट से बाहर का, तो वो 7 सीटर का मांग आता है क्योंकि फैमिली वैमिली जाता है। फैमिली जाता है, फैमिली के लिए आप लोग एकदम सटीक हैं? जी जी, पूरा। कहीं 7 सीटर के लिए पैसा बढ़ जाता है? जी, बढ़ेगा। 7 सीटर का पैसा बढ़ेगा? जी, 7 सीटर में बढ़ेगा। 5 सीटर के लिए कम लगता है पैसा? जी, 5 सीटर कम होता है, ये जितना रेट है वो सब 5 सीटर का है। सब 5 सीटर का? जब कॉल कीजिएगा 7 सीटर का तो उस समय आपको बता दिया जाएगा, उसमें इंक्लूडेड करके। यानी एक दिन पहले आपको खबर करना होगा? जी, बिहार के लिए नहीं। हाँ। अदर बिहार से बाहर के लिए? बिहार से बाहर के लिए। जी, अब बिहार के किसी भी जिला में 3 घंटा पहले कॉल कर लीजिए। 3 घंटा पहले? तीन घंटा पहले आपको कॉल कर लेंगे तो आप गाड़ी बाहर। 3 घंटा का तुरंत भी कीजिएगा तो गाड़ी अगर यहाँ अवेलेबल होगा तो हम आपको भेज देंगे। अगर कोई इमरजेंसी में कॉल करता है तो कैसे सुबह दीजिए? हम व्यवस्था कराएंगे, मेरे पास अभी नहीं होगा गाड़ी अभी यहाँ पे, तो अभी हम मेरा जिम्मेवारी है, आप बुक कराइए, आप टेंशन फ्री रहिए। इमरजेंसी में 1 घंटे के अंदर आप कर दीजिएगा? जी, आधे घंटे के अंदर में। आपको खाली बुकिंग कराना है, टेंशन हमारा है, कहाँ से करेंगे हम जानते हैं, नहीं होगा तो उससे भी ज़्यादा पैसा देकर हम अपना भेजेंगे आपको। पेमेंट पहले देना होगा बाद में? नहीं, पेमेंट बाद में, आपको पहुंचने के बाद देना है, घर पहुंचने के बाद पेमेंट? जी जी, बुकिंग खाली अमाउंट देना है, जैसे मान लीजिए हमारा गाड़ी के आप फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ। तो बुकिंग अमाउंट तो मान लीजिए गाड़ी वाले को हम पैसा कहाँ से देंगे? वही 500 रुपये देना? जी वही, जो जी 500 दीजिए और घर पहुँचने के बाद आप पैसे दे दीजिए। जी, बहुत बहुत पैसा दीजिए। तो देखिए, ये स्क्रीन पर नंबर है, अगर आप बिहार से किसी भी जिले से हैं, अगर आप एयरपोर्ट पटना जाना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आप इनको कॉल कीजिए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके ये घर पे पहुंचाएंगे। अगर आप बढ़िया तहकीकात करना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल कीजिए और पहले गाड़ी के बारे में और ऑफिस के बारे में आप पहले तहकीकात कर लीजिए, उसके बाद से आप इनको कॉल कीजिए और आप अपने घर तक सुरक्षित जा सकते हैं। पहले आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप हायर कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले प्रॉपर जान लें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस वाले लेंगे और आप होंगे। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल कीजिए और गाड़ी हायर कीजिए।